CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत की बहादुर बेटी रुखसाना कौसर के जीवन पर आधारित एक नाट्य रूपांतरण है। साहस किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये तो वो भावना है जो खतरे का सामना करते समय अपने आप जन्म लेती है। आज की कहानी ऐसी ही एक वीर बालिका की है जिसकी वीरता देश का सर गर्व से ऊंचा कर देती है। वो जो खतरों से कभी डरी नहीं, वो जो किसी आतंक के आगे कभी झुकी नहीं, और वो जो कभी देश की रक्षा की राह में रुकी नहीं। इस लड़की की वीर गाथा देश की मिट्टी में फूलों की सुगंध की तरह महकती है। ये वीर गाथा लिखी कश्मीर में जन्मी भारत की बेटी रुखसाना ने। जी हाँ, रुखसाना कौसर। और अब 26 जनवरी 2010 की इस परेड की वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। हाथी पर बैठे हुए ये बहादुर बच्चे जो पूरे देश से चुन करके आए हैं, और हाथी पर सबसे आगे बैठी हैं हाथ हिलाती हुई रुखसाना कौसर, आतंकवादियों से मुकाबला करने वाली भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की इस बहादुर बालिका को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। भाइयों और बहनों, यहां राजपथ पर बैठे सभी दर्शक इस बालिका रुखसाना कौसर का तालियों से स्वागत कर रहे हैं, और इनके साथ बैठे हैं इनके भाई एजाज, जिन्होंने आतंकियों से निपटने में अपनी बड़ी बहन का निडरता से साथ दिया। शांति काल में असाधारण वीरता का परिचय देने वाली इस बालिका रुखसाना कौसर की ये कहानी वास्तव में एक आतंकी हमले की कहानी है। रुखसाना कौसर, इनका जन्म 1989 में हुआ था। पिता नूर हुसैन और माता रशीदा बेगम हैं। रुखसाना कौसर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के कलसियां गांव की रहने वाली हैं। ये गांव भारत और पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूर है। रुखसाना कौसर एक बहादुर गुज्जर लड़की हैं। बात 27 सितंबर 2009 की है। आधी रात का समय, आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के 3 आतंकवादी छुपते छुपाते एक घर में घुसे। ये घर ठीक है, यहीं डेरा डालते हैं। ये ठीक रहेगा, दरवाजा खटखटाओ। अरे कौन, कौन इतनी रात गए? अरे अरे कौन है इतनी रात गए? इस वक्त कौन हो सकता है? या खुदा रहम कर। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूं। अरे खोल, कौन है वहां? अरे बताते क्यों नहीं? खोलता है या बंदूक की आवाज से सुनेगा?
ये तो आतंकवादी लग रहे हैं। अम्मी रुखसाना, रुखसाना जी, इजाज रुखसाना जी, बेटा इजाज का हाथ पकड़ो जी, जी अब्बू चल बाहर के पीछे, चल जल्दी जी अब्बू, जी जल्दी जी, इजाज बेटा चल चल, इजाज इजाज बोल रहा हूँ। कौन है? या मेरे मौला, तू ही निगेबान। अरे तोड़ दे खिड़की को, तोड़ दे। ठीक कहा तुमने, मैं इस पत्थर से अभी खिड़की को तोड़ देता हूँ। आ जाओ आ जाओ, रास्ता साफ है, चलो। अरे अरे कौन हो तुम लोग, कहाँ से आ रहे हो? हट जा सामने से। कौन हो तुम लोग? जी आदी है हम, हाँ। रात को यहीं रुकेंगे और खाना भी खाएंगे, समझे? सुन लो कान खोल कर, होंठ सिले हुए होने चाहिए तुम्हारे, समझे? चुपचाप एकदम चुप, आई समझ में? इजाज हट सामने से, पर हम आराम करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, हटो हटो यहाँ से, चल। अरे चुप, तो इससे कौन पूछ रहा है, हैं? हम रात को यहीं रुकेंगे। अरे अरे चोर 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 छोड़ दो इन्हें। रुखसाना इजाज बेटा अपना ध्यान रखो, ध्यान रखो। तो ये तुम्हारी बेटी है? रुखसाना रुखसाना बेटी, बचो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से बेटी। इजाज आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं छोड़ो, तेरा नाम रुखसाना है? तो ये ले, पहले तो ये देख लेते हैं। छोड़ दे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे बेटी को, आप पर पाल छोड़, पाल छोड़ दे आप। इजाज इजाज जोश तो नहीं लग रहा। रुखसाना जी, हम लोगों के लिए खाना लाएंगे ना? लाती है या इधर आ, अरे कैसे लाएगी? छोड़ छोड़ रुखसाना, अरे छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ छोड़। अरे अपनी बेटी को कहाँ ले आ रहा है खींच के, हैं? अरे ऐसे तो हमारे हवाले कर दे। नहीं कभी नहीं, न हम तुम्हें खाना देंगे और न अपने घर में ठिकाना देंगे। बेटी तू चल यहाँ से। तो तू बहुत बोल रहा है, इस रुखसाना को हमारे हवाले कर दे, समझा? कभी भी नहीं, नहीं तो ये ले। तेरे लिए तो मेरी राइफल की बट ही काफी है। अरे बट से क्या मारता है इसको, गोली मार दे, गोली। ठीक कह रहा है, क्या कर रहे हैं? क्या करो, क्या करो? ये गुलाल मेरी बाँ, ये ले ये ले ये ले ये ले, छोड़। रुखसाना कौसर ने 27 सितंबर 2009 की रात को अपने घर में घुस आए एक पाकिस्तानी आतंकवादी अबू उसामा को, जो लश्करे तैयबा का कमांडर था, उसे मार गिराया। और यही नहीं, रुखसाना ने अपार वीरता और तेज बुद्धि का परिचय देते हुए बाकी दोनों आतंकवादियों को भी घायल कर दिया और उन्हें जिंदा पुलिस को सौंपने में कामयाब रही। मासूमियत से भरी ये बहादुर लड़की रुखसाना देश के सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार चुकी थी। ऐसी भोली वीरता अनमोल है। रुखसाना को इस असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अलावा और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार,
सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, साथ ही उन्हें दिया गया सरदार पटेल अवार्ड। यही नहीं, रुखसाना कौसर को मिला रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार। रुखसाना को अपने भाई एजाज के साथ मिला अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा की ओर से 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। इनके अतिरिक्त भी अनेक संस्थाओं ने रुखसाना कौसर को वीरता पुरस्कार दिए। रुखसाना की बहादुरी को देखते हुए सरकार की ओर से उन्हें पुलिस की नौकरी भी दी गई। परंतु ये बहादुरी का कारनामा कुछ लोगों पर बहुत नागवार गुजरा था। रुखसाना ने लश्करे तैयबा के कमांडर को मार गिराया था, इसलिए ये संगठन रुखसाना कौसर का जानी दुश्मन बन गया था और अक्सर उन पर जानलेवा हमला भी करता था। 31 अक्टूबर 2009 को रात करीब 10:30 बजे अज्ञात बंदूकधारियों ने रुखसाना के घर पर 2 हथगोले फेंके और कई राउंड फायरिंग की। दस नवंबर 2009 मंगलवार को सुरक्षा बलों ने रुखसाना के घर के पास एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी भी बरामद किया, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। इसलिए रुखसाना को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की गई, लेकिन पुलिस सुरक्षा दिए जाने के बावजूद आतंकवादियों ने रुखसाना कौसर और उनके परिवार को 3 बार सड़क दुर्घटनाओं के माध्यम से मारने की कोशिश भी की। लेकिन रुखसाना कौसर ने कभी हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी बहादुरी के साथ आज भी अडिग हैं। ये भारत भूमि है, यहाँ ऐसी ही वीर बालिकाएं जन्म लेती हैं। वो ना कभी डरी हैं, वो ना कभी झुकी हैं। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए आतंकियों से लोहा लेने वाली भारत की बहादुर बेटी रुखसाना कौसर, तुम्हें हमारा प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत की बहादुर बेटी रुखसाना कौसर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, सुम्बुल शकील, परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और असर नवाज उस्मानी, आलेख सुधापुरी, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।